हेलो एंड वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ आईएएस टॉपर्स 100 प्लस हॉट टॉपिक वीडियो सीरीज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं बायो माइनिंग एंड बायो रेमेडिएशन के बारे में। तो रिसेंटली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लैंडफिल्स में बायो माइनिंग एंड बायो रेमेडिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया है। सबसे पहले बात करते हैं बायो माइनिंग के बारे में। तो जो भी प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके माइन वेस्ट एंड रॉक ऑर्स में से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को बायो माइनिंग कहते हैं। ये प्रोसेस को जो भी प्लेसेस में मेटल पॉल्यूशन हुआ है उसको क्लीन करने के लिए भी ये प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। सेकंड कंसेप्ट है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन यानी कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके जो भी एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स है जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट के लिए हैजार्डस है उनको डिग्रेड करके लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। तो अब बात करते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट 2019 के बारे में। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 10th एमिशन गैप रिपोर्ट को लॉन्च किया है। ये रिपोर्ट 2013 में टोटल वर्ल्ड वाइड एमिशन कितना होगा ये प्रेडिक्ट करता है और साथ ही साथ पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के गोल को अचीव करने के लिए 2013 में कितना एमिशन होना चाहिए। तो जो एक्चुअल एमिशन है जो ये रिपोर्ट का प्रेडिक्शन है और पेरिस क्लाइमेट के गोल को अचीव करने के लिए 2013 में कितना एमिशन कम करना होगा ये दो एमिशन के बीच का जो गैप है उसको ये मेजर करता है। हर साल ये गैप को कम करने के लिए ये रिपोर्ट अलग अलग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो 2019 में इसका स्पेसिफिकली फोकस एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर है कि जिसमें वो मेनली तीन सेक्टर पावर सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड बिल्डिंग सेक्टर में किस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन को लाया जा सके उसके ऊपर ये फोकस करता है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट करंट एंड एस्टिमेटेड फ्यूचर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के ऊपर लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज भी प्रोवाइड करता है। तो इसके हाईलाइट के बारे में बात करें तो पिछले 10 सालों में वर्ल्ड में टोटल एमिशंस पर ईयर 5% से बढ़ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 21st सेंचुरी के एंड तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ सकता है। पेरिस अग्रीमेंट क्लाइमेट का गोल ये है कि 21st सेंचुरी के एंड तक मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए और ऐसे कलेक्टिव एफर्ट्स करें कि जिससे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े। तो ये दो गोल को अचीव करने के लिए वर्ल्ड में टोटल हर साल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को 7.6% जितना कम करना होगा। जो भी लार्जेस्ट पॉल्यूशन एमिटर सेक्टर है उसमें टॉप 3 सेक्टर्स है एनर्जी सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर। टॉप 4 एमिटर कंट्रीज के बारे में बात करें तो वो है चाइना यूएसए यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। ये चारों मिलकर टोटल पिछले 10 सालों में वर्ल्ड के टोटल 55% एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो G20 नेशंस है यानी कि ग्रुप ऑफ 20 नेशन है वो कलेक्टिवली टोटल एमिशन के 78% एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि G20 कंट्रीज में भारत का पर कैपिटा एमिशन वन ऑफ दी लोएस्ट है। तो अब बात करते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के बारे में। ये रिपोर्ट को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1987 से हर 2 साल में पब्लिश करती है। ये रिपोर्ट भारत के फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाम्बू रिसोर्सेज कार्बन स्टॉक एंड फॉरेस्ट फायर्स को असेस करती है। 2019 रिपोर्ट की दो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें सबसे पहली खासियत है कि ये रिपोर्ट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और साथ ही साथ फॉरेस्ट के अलग अलग प्लांट्स एंड ट्रीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट में नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी को भी प्रिपेयर किया गया है। तो ये रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो एरिया वाइज अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो उसमें सबसे पहला रैंक है मध्य प्रदेश का, फिर अरुणाचल प्रदेश और थर्ड है छत्तीसगढ़। और अगर फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज फॉरेन कवर भारत में मिजोरम में है जो कि अप्रॉक्सीमेटली मिजोरम के टोटल जियोग्राफिकल एरिया के 85% जितना है। ये रिपोर्ट को इससे पहले 2017 में लॉन्च किया गया था। कंपेयर टू 2017 भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर में इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे ये रिपोर्ट फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन भी प्रोवाइड करता है। तो ऐसी लैंड्स की जिसमें ट्रीज की डेंसिटी 10% से ज़्यादा हो और उसका जो टोटल एरिया है वो 1 हेक्टर से ज़्यादा हो, तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो वो एरिया को फॉरेस्ट कवर कहा जा सकता है। जो भी फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर है वो फॉरेस्ट के नंबर कम हुए हैं, हालांकि जो भी फॉरेस्ट ये एरिया के बाहर है उसमें इंक्रीज देखा गया है। ऐसे फॉरेस्ट की जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं वो फॉरेस्ट को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं।
नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन में टोटल फॉरेस्ट कवर पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन के 65% जियोग्राफिकल एरिया जितना है। हालांकि ये पूरे रीजियन में सिर्फ आसाम एंड त्रिपुरा के अलावा सभी स्टेट में फॉरेस्ट कवर का डिक्रीज देखा गया है। जो भी वेटलैंड्स RFA के अंदर है उसमें गुजरात में वेटलैंड का एरिया सबसे ज़्यादा है और सेकंड नंबर पे है वेस्ट बैंक। महाराष्ट्र में फ्यूल वुड के ऊपर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है और मध्य प्रदेश में फॉडर, स्मॉल टिम्बर एंड बाम्बू के ऊपर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 21.67% है और ये टोटल फॉरेस्ट कवर में से 21.4% फॉरेस्ट कवर ऐसा है कि जिसमें फॉरेस्ट फायर लगने के चांसेस काफी ज्यादा है। और भारत का टोटल कार्बन स्टॉक टोटल 7,124 मिलियन टन्स है जो कि 2017 के कंपैरिजन में लगभग 42.6 मिलियन टन्स ज्यादा है। तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स के बारे में। तो रिसेंटली एक स्टडी के मुताबिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स ग्रासेस की जो कि एलिफेंट्स का फूड है उसका एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं दे पाता है। तो सबसे पहले ये इंडेक्स के बारे में समझते हैं। तो जो भी ट्रीज या तो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपने फूड को क्रिएट करते हैं। तो जो सनलाइट है उसमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स होती है जैसे कि विजिबल लाइट, नियर इंफ्रारेड लाइट, फिर अल्ट्रावायोलेट लाइट। तो ये सभी वेवलेंथ की लाइट्स सनलाइट में होती है। तो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो सिर्फ विजिबल लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है और जो नियर इंफ्रारेड लाइट है उसको एमिट करता है। तो किसी भी एरिया में अगर ज़्यादा नियर इंफ्रारेड लाइट का एमिशन हो रहा है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो ग्रासेस की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इंडेक्स को सैटेलाइट के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। ये प्रोसेस में सैटेलाइट कोई भी एरिया को मैप करता है और यहाँ पे ये चेक करता है कि जो नियर इंफ्रारेड लाइट कितनी एमिट हो रही है और उसके बेस पे वो एरिया में टोटल वेजिटेशन कितना है उसका एस्टिमेशन लगाती है। तो अब ये स्टडी के तहत क्या हुआ कि पूरा ऑपोजिट एस्टिमेशन हुआ। यहाँ पे ये स्टडी में ये पता चला कि जहाँ पे भी ये इंडेक्स की वैल्यू हाई है यानी कि नियर इंफ्रारेड लाइट का एमिशन ज़्यादा है वहाँ पे वेजिटेशन कम है और जो एरिया में नियर इंफ्रारेड लाइट का एमिशन कम है वहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो पहले जो माना जा रहा था उससे ये बिल्कुल अपोजिट है। ये स्टडी को नागरहोले नेशनल पार्क में कैरी आउट किया गया था। अब नागरहोले नेशनल पार्क के बारे में देखें तो ये कर्नाटक में लोकेटेड है कि जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोले रिवर ये नेशनल पार्क के सेंटर में से पास होती है तो इसके लिए ये पार्क को नागरहोले नेशनल पार्क का नाम दिया गया है। ये भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और साथ ही साथ प्रोजेक्ट टाइगर साइट भी है। यहाँ पे जीनू कुरुबास ट्राइब रहती है और यहाँ पे पूरे एशिया में हर्बीवोरस की हाईएस्ट डेंसिटी है। ये नेशनल पार्क के आसपास बंदीपुर नेशनल पार्क, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वायानद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। तो अब बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के बारे में। ये इंडेक्स को रिसेंटली जर्मन वॉच ने लॉन्च किया है। जर्मन वॉच एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट थिंक टैंक है। ये इंडेक्स वेदर फिनोमिना जैसे कि फ्लड्स, स्ट्रॉम, हीट वेव्स की वजह से अलग अलग कंट्रीज को कितना फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ सोशल लॉस हो रहा है वो मेजर करता है। ये इंडेक्स दो टाइमलाइन में ये लॉसेस को मेजर करता है। सबसे पहला 2018 ईयर को और सेकेंड 1919 से लेकर 2018 के पीरियड को ये असेस करता है। 2018 में जापान, फिलीपींस एंड जर्मनी को सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड सोशल लॉस वेदर फिनोमिना से हुआ है और 1999 से लेकर 2018 के पीरियड की बात करें तो उसमें पोर्टो रिको, म्यांमार एंड हयाती को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। भारत की बात करें तो भारत का रैंक ये इंडेक्स में 5th है क्योंकि भारत में जो भी इकोनॉमिक लॉस हुआ है वो मेनली सीवियर रेनफॉल्स, हैवी फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड से हुआ है। 2018 में क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज हुई थी और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे वर्ल्ड में भारत को सेकंड हाईएस्ट फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए थे जो कि करीब $34,800 के आसपास था। अब बात करते हैं बीटी कोटन वैरायटी के बारे में।
तो रिसेंटली ड्रॉट्स के कारण और साथ ही साथ कॉटन की प्राइस कम होने की वजह से भारत में फार्मर्स ने हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन को कल्टीवेट करना शुरू किया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉटन की ये वेराइटी के ऊपर बैन रखा है। ये बैन क्यों रखा है वो हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होते हैं। तो जो भी कन्वेंशनल क्रॉप्स होते हैं उनके जीन्स में मॉडिफिकेशन करके कोई भी एक क्रॉप की प्रॉपर्टीज को चेंज किया जाता है जो कि नेचुरली अवेलेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कन्वेंशनल क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसकी जो क्रॉप यील्ड है उसको बढ़ाया जा सकता है। कोई भी इंसेक्ट के सामने उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे जो प्लांट की अलग अलग प्रॉपर्टीज है उसको चेंज किया जा सकता है। हालांकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो सकती है और साथ ही साथ जीएम प्लांट के जीन्स कन्वेंशनल प्लांट के साथ मिक्स हो सकते हैं जिससे कि नए प्लांट डिसीज भी क्रिएट हो सकते हैं। और कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं कि वो कुछ सालों बाद साइड इफेक्ट्स बताते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बेनिफिट्स भी है और साथ ही साथ उनके रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है जिसको कॉटन वॉलबम इंसेक्ट के सामने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये कॉटन की वैरायटी को क्रिएट किया गया था। ये कॉटन वॉलबम इंसेक्ट को पिंक वॉलबम इंसेक्ट भी कहते हैं क्योंकि जब भी ये इंसेक्ट कॉटन पर अटैक करता है तो कॉटन का कलर पिंक हो जाता है। तो इसके लिए इसको पिंक वॉलबम इंसेक्ट भी कहते हैं। तो ये कॉटन को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, तो कॉटन सीड्स में बेसिलियस थुरिंगिनेसिस सॉइल बैक्टीरियम के क्राई 1AB एंड क्राई 2BC जीन्स को कॉटन सीड्स में ऐड करके बीटी कॉटन को क्रिएट किया जाता है। तो करंटली भारत में सिर्फ बीटी कॉटन ही ऐसी वैरायटी है कि जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ने कल्टीवेट करने के लिए अप्रूवल दिया है। तो अब बात करते हैं ये हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन वैरायटी क्या है। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन में ये दो जीन्स के अलावा एक तीसरा जीन्स CP4EPSPS जीन्स को भी ऐड किया जाता है। हालांकि भारत में कॉटन की ये वैरायटी के ऊपर कम्प्लीटली बैन है। तो ये बैन क्यों है, तो कॉटन की ये जो वैरायटी है वो ग्लायोफॉस्फेट जो कि एक हर्बिसाइड है उसको टॉलरेट कर सकता है। ग्लायोफॉस्फेट के बारे में मैंने पहले बताया था लेकिन यहाँ पे मैं ये इसके बारे में फिर से बता दूं। ग्लायोफॉस्फेट है वो वीट्स को किल करता है। हालांकि ग्लायोफॉस्फेट नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है यानी कि जो मेन क्रॉप है जो कि यहाँ पे कॉटन है उसके साथ साथ वीट्स को किल करता है। तो मतलब अगर गलती से ये हर्बिसाइड कॉटन के क्रॉप पे चला गया तो कॉटन पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये कॉटन वैरायटी ग्लायोफॉस्फेट के कांटेक्ट में आती है फिर भी कॉटन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये तो फार्मर्स के लिए अच्छी बात है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये हर्बिसाइड को बैन क्यों किया, तो ये हर्बिसाइड के साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये कार्सियोजेनिक है यानी कि इससे कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कॉटन की वैरायटी के ऊपर बैन रखा है। अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में। तो ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नीचे काम करती है। इसकी मेन रिस्पांसिबिलिटी ये है कि भारत में कोई भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है तो वो जीएम प्लांट की सेफ्टी को असेस करके पूरे भारत में उसके कल्टीवेशन करने का अप्रूवल देना या तो ना देना वो डिसाइड करना है। बीटी कॉटन के अलावा ये कमेटी ने बीटी ब्रिंजल एंड बीटी मस्टर्ड को भी अप्रूवल दिया है। हालांकि ये दोनों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अभी अप्रूवल नहीं दिया है। तो अभी ये दो वैरायटी भारत में कल्टीवेट नहीं की जा सकती। तो अब बात करते हैं अमूर फाल्कन के बारे में। अमूर फाल्कन जो कि फाल्कन फैमिली से बिलोंग करता है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर है क्योंकि ये फाल्कन हर साल साउथ ईस्टर्न साइबेरिया एंड नॉर्दर्न चाइना से इंडिया के नागालैंड में से पास होके सदर्न अफ्रीका तक हर साल लगभग 22,000 किलोमीटर तक का सफर तय करता है। तो इसके लिए ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर है। ये बर्ड नागालैंड के वोखा डिस्ट्रिक्ट के दोयांग लेक में अपने माइग्रेशन के दौरान स्टॉपर लेता है। तो रिसेंटली ये लेक के आसपास के एरिया को नागालैंड गवर्नमेंट ने साइलेंट जोन के तौर पर डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसका IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न है हालांकि वो साइट्स कन्वेंशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। अब बात करते हैं दाल लेक के बारे में। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने दाल लेक को इको सेंसिटिव जोन के तौर पर डिक्लेयर करने के लिए एक कमेटी को सेटअप किया है। दाल लेक श्रीनगर की जबारवान माउंटेन वैली में लोकेटेड है। दाल लेक को लेक ऑफ फ्लावर्स एंड श्रीनगर ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। दाल लेक में मेनली चार अलग अलग इंटरकनेक्टेड बेजिन्स है, हजरतबाल बेजिन, बोर्डाल, गागरीबल एंड नागिन बेजिन। दाल लेक के शोरलाइन पे शालीमार बाग एंड
निशांत बाग लोकेटेड है, जो कि मुगल अंपायर के किंग जहांगीर ने क्रिएट किए थे। ये दाल लेक का मेन अट्रैक्शन शिकाराज है, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये शिकाराज दाल लेक में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दाल लेक का जो पानी है वो मारसार लेक में से आता है। अब बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। तो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के 10 किलोमीटर के एरियाज को इको सेंसिटिव जोन के नाम से जाना जाता है। हालांकि थोड़े एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ये 10 किलोमीटर की रेडियस को बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास जो भी अर्बन एक्टिविटीज हो रही है उसकी एडवर्स इम्पैक्ट नेशनल पार्क या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फ्लोरा एंड फोना पे ना पड़े, तो इसके लिए एज ए बफर जोन के तौर पे ये 10 किलोमीटर के रेडियस को इको सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक तरीके से कहे तो ये जो जोन है वो ट्रांजिशन जोन की तरह एक्ट करता है, ताकि जो एंडेमिक स्पीसीज है उसका कंजर्वेशन हो सके और साथ ही साथ मैन एंड एनिमल की कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज किसी भी एरिया को इको सेंसिटिव जोन के तौर पे डेजिग्नेट कर सकते हैं। हालांकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इको सेंसिटिव जोन जैसा कोई भी टर्म मेंशन नहीं किया गया है। कोई भी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि वो एरिया में स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो स्पीसीज कितनी रेयर है, वो सब फैक्टर्स इसमें देखे जाते हैं। सेकंड है इकोसिस्टम बेस्ड फैक्टर्स, जिसमें कि टोटल वो एरिया में फॉरेस्ट कितने हैं, कैरेट ग्रूव्स टोटल कितने हैं, वो सब देखे जाते हैं। और थर्ड है जियोमॉर्फोलॉजिक फीचर, कि जिसमें इंक्लूड है टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं और साथ ही साथ कितनी रिवर्स का ओरिजिन ये एरिया में से है। ऐसे फैक्टर्स इको सेंसिटिव जोन के लिए देखे जाते हैं। अब इको सेंसिटिव जोन में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है कि जिसके ऊपर कम्प्लीटली बैन है, जैसे कि कमर्शियल माइनिंग है, कमर्शियल यूज़ ऑफ वुड है, टूरिज्म एक्टिविटीज़ लाइक हॉट एयर बलून्स ओवर द नेशनल पार्क, तो ये सब एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। हालांकि कुछ एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट की परमिशन के बाद कैरी आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, कमर्शियल यूज़ ऑफ नेचुरल वाटर जैसी एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ के अंडर आती है। और कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये सब एक्टिविटीज़ को ये जोन में कैरी आउट किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं साइक्लोन फानी एंड साइक्लोन वायु के बारे में। तो साइक्लोन फानी एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। ये स्टॉर्म इतना सीवियर था कि भारत की हिस्ट्री में पिछले 20 सालों में इतना सीवियर स्टॉर्म नहीं आया था। ये साइक्लोन के ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये सुमात्रा आइलैंड के वेस्टर्न रीजन में जो इंडियन ओशन है वहाँ से ये साइक्लोन स्टार्ट हुआ था। शुरुआत में ये तमिलनाडु कोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था, हालांकि फिर ये साइक्लोन ने टर्न लेके ओडिशा कोस्ट की तरफ मूवमेंट स्टार्ट की थी। ये साइक्लोन का नाम बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था। साइक्लोन के नेमिंग के बारे में बात करें तो वर्ल्ड में जितने भी साइक्लोन है उसका नाम वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO द्वारा मैनेज किया जाता है। 2004 में ये डिसाइड किया गया था कि इंडियन ओशन रीजन में जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे वो साइक्लोन का नाम 8 अलग अलग कंट्रीज बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड सिक्वेंशियली अलॉट करेंगे। अब साइक्लोन वायु के बारे में बात करते हैं। साइक्लोन वायु वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था जो कि अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था। साइक्लोन वायु जब गुजरात में 1998 में एक बहुत ही सीवियर साइक्लोन आया था, उसके बाद का ये सबसे बड़ा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है कि जिसने सौराष्ट्र पेनिनसुला को एडवर्सली अफेक्ट किया है। यहाँ पे की फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आपने अलग अलग नाम सुने होंगे जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, तो ये सब वेदर फिनोमिना एक ही है। हालांकि ये वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन में ये साइक्लोन की वेदर फिनोमिना को टाइफून कहते हैं। कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशन में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए में टोर्नेडो कहते हैं और इंडियन ओशन में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इंडियन मीटोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन की स्पीड के अकॉर्डिंग टोटल 6 अलग अलग कैटेगरी में ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल साइक्लोन वायु जो था वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, यानी कि वो साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्पीड 118 से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर के बीच रही होगी। अब बात करते हैं वाइट राइनो के बारे में। तो रिसेंटली रिसर्चर्स ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करके लेबोरेटरी में नॉर्दर्न वाइट राइनो के एम्ब्रॉय को क्रिएट किया है। IVF थर्ड में डोनर एग को स्पर्म के साथ लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाता है। ये मेथड स्पेसिफिकली इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। व्हाइट राइनो के बारे में जाने तो ये एलिफेंट के बाद सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है। व्हाइट राइनो को स्क्वायर लिप,
राइनोसोरस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके जो लिप्स होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं। इसमें मेनली दो सब स्पीसीज है, सदर्न वाइट राइनो एंड नॉर्दर्न वाइट राइनो। नॉर्दर्न वाइट राइनो का IUCN स्टेटस नियर एक्सटिंक्शन है क्योंकि करंटली सिर्फ दो नॉर्दर्न वाइट राइनो केन्या में एग्जिस्ट करते हैं और जो सदर्न वाइट राइनो है का IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। मोर देन 98% सदर्न वाइट राइनो साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड केन्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हिमालयन आइबेक्स। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक जो हिमालयन आइबेक्स है वो साइबेरियन आइबेक्स से प्लेस्टोसन एपोक के दौरान डाइवर्ज हुई थी। प्लेस्टोसन एपोक करीब अर्थ पे 2.4 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। एपोक के बारे में मैंने लेक्चर 1 में बताया है। तो साइबेरियन आइबेक्स के बारे में बात करें तो ये एक वाइल्ड गॉड की स्पीसीज है जो कि अलग अलग हैबिटेट्स जैसे कि कोल्ड डेजर्ट है, रॉकी टेरिन है, माउंटेन रिजिज है, लो माउंटेन्स है, ऐसे अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। एशिया में ये मेनली 500 से 6700 मीटर की हाइट पे मॉन्टाने हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशंस मेनली इंडिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, सदर्न साइबेरिया एंड चाइना में है। भारत में ये मेनली लद्दाख के ट्रांस हिमालयन रेंजेस में एंड हिमाचल प्रदेश के जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं और इसका IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। अब बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1960 में और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। ZSI का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एनिमल टैक्सोनॉमी के वेरियस एस्पेक्ट के ऊपर सर्वे, एक्सप्लोरेशन, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन करना। अब बात करते हैं हेरॉन्स के बारे में। हेरॉन्स कोस्टल बर्ड्स है जिसकी ग्लोबली टोटल 64 स्पीसीज है। ये बर्ड्स में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म काफ़ी कम दिखाई देता है, यानी कि जो ये बर्ड की मेल एंड फीमेल स्पीसीज है उसमें फिजिकल डिफरेंस काफ़ी कम है। जो इंडियन पॉन्ड हेरॉन है वो भारत में सबसे कॉमन स्पीसीज है। ये स्पीसीज मेनली सदर्न ईरान, बर्मा एंड श्रीलंका में ब्रीड करती है और ये ह्यूमन हैबिटेट में आराम से रह सकते हैं और इसका IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। अब बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में। तो रिसेंटली एनुअल रेप्टाइल सेनस 2020 में ये देखा गया कि ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो ये ओडिशा के केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये पार्क को 1998 में नेशनल पार्क के तौर पर डेजिग्नेट किया गया था और ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम भारत में सुंदरबंस है। ये ओडिशा की सेकेंड रामसार साइट है। फर्स्ट ओडिशा की जो रामसार साइट है वो है चिलिका लेक। ये पार्क में से ब्राह्मिनी रिवर, बेतरानी रिवर, धर्मा रिवर एंड पाठशाला रिवर पास होती है जो कि आप ये मैप में देख सकते हैं। ये नेशनल पार्क के ईस्ट में गहिरमठा बीच है जो कि ये नेशनल पार्क के आसपास के स्वाम्प रीजन एंड मैंग्रोव्स को बे ऑफ बंगाल से सेपरेट करती है। इसमें मेनली सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, किंग कोबरा, ब्लैक आइबिस, डार्टर्स जैसे कई एनिमल स्पीसीज पाई जाती है। तो मेनली क्रोकोडाइल की तीन स्पीसीज होती है। तो इसमें सबसे पहले है मगर। मगर को इंडियन क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है जो कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये मेनली फ्रेश वाटर स्पीसीज है जो कि लेक्स, रिवर्स एंड मार्श में देखे जाते हैं। इसका IUCN स्टेटस वनरेबल है। घरियल, घरियल को फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स भी कहते हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेटिव स्पीसीज है। 90% से ज़्यादा घरियल नेशनल चंबल सेंचुरी में पाए जाते हैं और इसका IUCN स्टेटस अनडेंजर्ड है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में बात करें तो ये रेप्टाइल फैमिली में सबसे लार्जेस्ट एनिमल है जो कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं और इसका IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। अब बात करते हैं सेना स्पेक्टाबिलिस के बारे में। तो रिसेंटली केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेना स्पेक्टाबिलिस इन्वेजिव प्लांट के ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज डिसाइड कर रही है। तो जो इन्वेजिव प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली नॉन नेटिव प्लांट होते हैं जो कि कोई भी कारणों से कोई भी एरिया में एकदम से ग्रो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नेटिव स्पीसीज है वहाँ की उनके ऊपर काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? तो ये जो इन्वेजिव प्लांट है वो नेटिव प्लांट्स की जो आसपास की जो इकोसिस्टम है, जो
आसपास के रिसोर्सेज है जैसे कि मिनरल्स है वो सबको यूज़ कर लेता है, तो जो नेटिव प्लांट्स है वो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते और रिसोर्सेज को यूज़ करने में कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसके लिए ये नेटिव प्लांट्स के लिए काफ़ी डेंजरस है। तो अब सेना स्पेक्टाबिलिस के बारे में बात करें तो ये साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका की नेटिव प्लांट स्पीसीज है। इसके ब्राइट येल्लो कलर की वजह से इसको ऑर्नामेंटल ट्री के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और ये मेनली समर के मंथ्स में ग्रो होते हैं। तो अब बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये एक इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी हिल रेंजेस में लोकेटेड है। ये भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1986 में ये रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया था। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो भारत में करंटली टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो ये जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे पहले ऐड किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस देने के लिए कुछ क्राइटेरियाज है। ये क्राइटेरिया समझने से पहले हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में एक्चुअली क्या होता है। तो उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कोर एरिया, उसके बाहर का पार्ट होता है बफर जोन और सबसे बाहर का पार्ट होता है ट्रांजिशन जोन। तो जो कोर एरिया होता है वो मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया होता है। कोर एरिया में ही एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं। ये जो बफर जोन है वो कोर एरिया में प्लांट्स एंड एनिमल्स की कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है और जो ट्रांजिशन एरिया है वो मेनली जो ट्रांजिशन एरिया के बाहर की जो भी अर्बन एक्टिविटीज़ है उनका एडवर्स इम्पैक्ट ये कोर एरिया पे ना पड़े इसके लिए ये ट्रांजिशन जोन का क्रिएशन किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व के क्राइटेरिया के बारे में अब बात करें तो ऐसे रीजियंस की जिसका कोर एरिया मिनिमली डिस्टर्ब्ड हो और वो कोर एरिया में बायो जियोग्राफिकल यूनिट होना चाहिए और साथ ही साथ ये एरिया इतना बड़ा होना चाहिए कि अलग अलग टाइप्स के फ्लोरा एंड फोना को अकोमोडेट कर सके। साथ ही साथ लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी ये कोर एक्टिविटीज़ में होना ज़रूरी है और ऐसे एरिया को प्रायोरिटी दी जाती है जो कि ट्रेडिशनल ट्राइबल मोड्स ऑफ लिविंग को प्रिजर्व कर सके। ये रिजर्व में अलग अलग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज है जैसे कि नागरहोले नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड वायानन सेंचुरी। इसमें अलग अलग ट्राइब्स भी रहती है जैसे कि टोडाज है, कोटाज है, पानियाज है एक्सेट्रा। अब बात करते हैं रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में। ये टर्टल को बंगाल रूफ टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जो टोटल 24 एंडेमिक टर्टल स्पीसीज है वो 24 में से ये एक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज है। ये मेनली इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल के डीप फ्लोइंग रिवर्स में पाए जाते हैं। पहले ये पूरी गंगा रिवर में पाए जाते थे, हालांकि अभी ये सिर्फ नेशनल चंबल रिवर घरेल सेंचुरी में ही पाए जाते हैं। हालांकि कुछ बंगाल रूफ टर्टल ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में भी पाए जाते हैं। इसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो IUCN के तहत ये टर्टल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस दिया गया है। साइट्स कन्वेंशन में ये अपेंडिक्स 2 में लिस्ट है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में ये लिस्टेड है। अब बात करते हैं लॉन्ग टेल मकाउस के बारे में। ये मकाउस को क्रैब ईटिंग मकाउ भी कहते हैं। ये मेनली साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो जो इनकी टेल होती है वो इनके बॉडी के कंपेरिजन में काफ़ी लॉन्ग होती है ताकि जब वो जंप करे तो वो अपना बैलेंस मेंटेन कर सके। और जो मेल लॉन्ग टेल मकाउस होते हैं वो फीमेल से लार्ज होते हैं साइज में। ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है कि जिसके बारे में मैंने जस्ट प्रीवियस स्लाइड्स में बात की। तो इसकी वजह से ये कई सारे लोकेशंस जैसे कि हांगकांग एंड वेस्टर्न न्यू गुएना में बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट पोज करते हैं। ये अलग अलग कंडीशन में इजीली रह सकते हैं। इसका IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न है और साइट्स कन्वेंशन में ये अपेंडिक्स 2 में लिस्ट किए गए हैं। अब बात करते हैं अफ्रीकन चीता के बारे में। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नामीबिया में से अफ्रीकन चीता को भारत में इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन दे दी है। चीता के बारे में जाने तो चीता एनिमल किंगडम का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। तो मेनली चीता की दो सब स्पीसीज है, अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता। ये दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो जो अफ्रीकन चीता है उसका IUCN स्टेटस वनरेबल है और जो एशियाटिक चीता है उसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली अनडेंजर्ड है। ये दोनों साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लिस्ट किए गए हैं, यानी कि ये दोनों का एक्सटिंक होने का डेंजर काफ़ी ज़्यादा है। हैबिटेट के बारे में बात करें तो अफ्रीकन चीता की टोटल संख्या अभी 6,500 से लेकर 7,000 तक की है जो कि अभी ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। हालांकि जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ करंटली
ईरान में पाया जाता है और ऐसे एशियाटिक चीतास ईरान में सिर्फ 40 से 50 ही है, तो इसके लिए इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली अनडेंजर्ड है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो जो अफ्रीकन चीता होता है उसकी साइज एशियाटिक चीता से ज़्यादा होती है। एशियाटिक चीता में ज़्यादा फर होते हैं और साथ ही साथ जो इसका हेड है वो कंपेयर टू अफ्रीकन चीता छोटा होता है। और एशियाटिक चीता की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वो है कि जो उसकी आँख है वो लाल होती है और जो उसका ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस होता है वो कैट के जैसा होता है। अब बात करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। तो ये एक स्टैचूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करती है। ये अथॉरिटी को टाइगर टास्क फोर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया था उसके रिकमेंडेशन के ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 2005 में कंस्टिट्यूट किया गया था। और ये अथॉरिटी का मेन फंक्शन ये था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड करना और टाइगर के कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। अब बात करते हैं नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये सेंचुरी को जो अभी नामीबिया से चीता को भारत में लाया जाएगा वो अफ्रीकन चीतास को ये सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नर्मदा एंड गंगा बेसिन लोकेटेड है। करीब 75% जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यमुना बेसिन में लोकेटेड है और 25% जितने पार्ट नर्मदा बेसिन में लोकेटेड है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग अलग 6 रेंजेस में लोकेटेड है जैसे कि मोहली रेंज, सिंहपुर रेंज एक्सेट्रा। इसमें लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, नीलगाय जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं और टीक, साजा जैसी ट्रीज पाई जाती है। अब बात करते हैं पेंगोलिन्स के बारे में। तो जब कोरोना वायरस स्प्रेड होना शुरू हुआ था तब ये माना जा रहा था कि जो चाइना में से कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है वो चाइना के मीट मार्केट में से स्प्रेड होना शुरू हुआ है। तो जब साइंटिस्ट जो भी पीपल कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए थे उनके जीन्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि जो भी पीपल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उनके जीन्स और जो पेंगोलिन्स है उनके जीन्स में 99% सिमिलैरिटी है। तो फिर ये स्पेकुलेशन लगाया गया था कि जो कोरोना वायरस है वो चाइना की मीट इंडस्ट्री में से पेंगोलिन मीट के थ्रू फैला है। हालांकि ये अभी 100% प्रूव नहीं किया गया है। तो पेंगोलिन्स के बारे में देखो तो ये एकमात्र ऐसे मैमल्स है जो जिसकी बॉडी कम्प्लीटली स्केल्स में कवर्ड है। ये स्केल्स को पेंगोलिन प्रेडेटर्स के सामने प्रोटेक्शन लेने के लिए यूज़ करता है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं ये स्केल्स। ऐसा माना जा रहा है कि जो पेंगोलिन है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड एनिमल्स है क्योंकि जो इनकी स्केल्स है वो चाइना एंड वियतनाम में मेडिसिन बनाने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो टोटल पेंगोलिन की 8 स्पीसीज है जिसमें से सिर्फ 2 ही भारत में पाई जाती है। वो है चाइनीज़ पेंगोलिन जो कि मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है और दूसरा है इंडियन पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन जो है उसका IUCN स्टेटस अनडेंजर्ड है और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है। ये साइट्स कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में लिस्ट है। ये जो 8 स्पीसीज है वो 8 स्पीसीज में से चाइनीज़ पेंगोलिन एंड सुंदा पेंगोलिन्स का IUCN स्टेटस क्रिटिकली अनडेंजर्ड है। और पेंगोलिन के वर्ल्ड वाइड इलीगल स्मगलिंग को स्टॉप करने के लिए हर साल फरवरी में 3rd सैटरडे को वर्ल्ड पेंगोलिन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो रिसेंटली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 को रिलीज़ किया है कि जिसमें उन्होंने 2004 से लेकर 2070 तक भारत के अलग अलग रीजन्स में कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुई है और उसका कॉज क्या है वो लिस्ट आउट किया है। ये रिपोर्ट के बारे में डिटेल में मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया है। की हाइलाइट्स की बात करें तो भारत के टोटल फॉरेस्ट कवर में से लगभग 21.4% फॉरेस्ट कवर में फॉरेस्ट फायर लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये 21.4% में से लगभग 3.9% फॉरेस्ट कवर एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरियाज है, 6% वेरी हाईली फायर प्रोन एरियाज है और 11.5% हाईली फायर प्रोन एरियाज है। तो पूरे भारत में 2004 से लेकर 2017 तक मिजोरम में सबसे ज़्यादा फायर अलर्ट्स अनाउंस किए गए थे। भारत के टोटल फॉरेस्ट फायर में से लगभग 33% फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 स्टेट में से ही किए गए थे। हालांकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में 2004 से पहले की कंपेरिजन में जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी कम हुआ है। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स मध्य प्रदेश में देखे गए थे। फॉरेस्ट फायर के कॉज के बारे में बात करें तो थंडर स्ट्रॉम,
सबसे बड़ा नेचुरल कॉज था फॉरेस्ट फायर के लिए। और सेंट्रल इंडिया में जो फॉरेस्ट फायर हुए थे उसका मेन रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज, और जो भी फॉरेस्ट फायर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुए थे उसका मेन रीजन है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन मेथड। ये कल्टीवेशन मेथड को झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन मेथड एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चरल मेथड है कि जिसमें नेचुरल वेजिटेशन को बर्न करके क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए लैंड खाली की जाती है। तो जब ऐसी लैंड इनफर्टाइल हो जाती है तब जो फार्मर है वो कोई और जगह पे जाके फिर से यही प्रोसेस को रिपीट करता है। तो ये एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन की मेथड को स्लैश एंड बर्न मेथड कहते हैं। अब बात करते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत काम करता है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को रिप्लेस किया है। ये सर्वे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1965 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सपोर्ट से इनिशिएट किया था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उनको हर 2 साल में पब्लिश करना, इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया को काउंट करना और अलग अलग फॉरेस्ट मैप को एरियल फोटोग्राफी से प्रिपेयर करना। तो अब बात करते हैं पीटलैंड्स के बारे में। रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया था कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वर्ल्ड में जितने भी पीटलैंड्स हैं उनकी डे बाय डे कंडीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है, तो उसको अर्जेंटली ही मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो ये रिपोर्ट ने ये कहा कि अर्थ की टोटल सरफेस के 3% पीटलैंड के द्वारा कवर होते हैं, और ये जो पीटलैंड्स है वो कार्बन सिंक्स के तौर पर एक्ट करते हैं कि जिससे कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो बैलेंस रहता है। ये पीटलैंड्स में अर्थ का टोटल लगभग 40% जितना कार्बन स्टोर रहता है, और इसकी वजह से जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है वो मेंटेन रहती है। पीटलैंड्स के बारे में बात करें तो ये एक टाइप के वेटलैंड्स है जो कि हर एक कंट्री में पाए जाते हैं। तो पीटलैंड्स यानी कि जब प्लांट मटेरियल्स वाटर लॉक कंडीशन में यानी कि पानी के अंदर कई हज़ारों साल तक ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोज होते हैं, तब वो जो प्लांट मटेरियल्स है वो पीट सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सॉइल्स अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये मैंग्रोव्स में देखे जाते हैं, और आर्कटिक रीजन्स में ये मॉसिस में देखे जाते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कोई कोई मैंग्रोव स्पीसीज के नीचे भी ऐसी सॉइल्स को देखा जाता है। पीटलैंड के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोरेज सॉइल कार्बन स्टोरेज है, उनमें से लगभग 40% जितना ये पीटलैंड्स में स्टोर होता है। ये जो वाटर का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है कि जिससे फ्लडिंग का एंड ड्रॉट का रिस्क काफ़ी कम हो। साथ ही साथ ये जो भी ऑर्गेनिक लैंड है में सी वाटर के इंट्रूजन को भी रोकता है। ये आर्कियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पिटलैंड्स है वो पोलन्स सीड्स एंड ह्यूमन रिमेन्स को प्रिजर्व करता है। ये पिटलैंड्स के ऊपर जो भी वेजिटेशन ग्रो होता है उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए एंड हैंडक्राफ्ट्स को क्रिएट करने के लिए अलग अलग फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ट्राइबल पीपल ये पीटलैंड के आसपास रहते हैं उनके सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए पीटलैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तो अब बात करते हैं ब्लैक कार्बन की बढ़ती हुई कंसंट्रेशन के बारे में। रिसेंटली एक स्टडी के मुताबिक समर के दौरान गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास के रीजन में ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन लगभग 400 गुनी बढ़ गई है। तो उससे क्या होगा कि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि जो ब्लैक कार्बन है वो सन रेज को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी वजह से जो ब्लैक कार्बन का आसपास का एटमॉस्फेयर है उनका टेम्परेचर सडनली ही बढ़ जाता है। ब्लैक कार्बन के बारे में मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया है। तो अब जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में। ये ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जहाँ पे रिवर गंगा का ओरिजिन लोकेटेड है। ये उत्तराखंड का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर गारवाल हिमालयास के चाखुम्बा रेंज में से ओरिजिनेट होता है। अब बात करते हैं जल शक्ति रैंकिंग्स के बारे में। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जल शक्ति सर्वे 2019 के रिजल्ट्स को अनाउंस किया है। ये रैंकिंग में अलग अलग स्टेट एंड लोकल वाटर डिपार्टमेंट को अगले 5 साल में भारत के हर हाउस होल्ड में पाइप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन पहुँचाने की तरफ कौन कौन से एफर्ट्स वो डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं उनके बेसिस पे अलग अलग पैरामीटर्स जैसे कि फाइनेंस है, डेटा डिजिटाइजेशन है, ट्रेनिंग है, ये सब फैक्टर्स पे ये वाटर डिपार्टमेंट को ये सर्वे के तहत असेस किया गया था। तो इसमें जो टॉप 3 है वो है गुजरात सरफेस वाटर डिपार्टमेंट, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और थर्ड है राजस्थान वाटर डिपार्टमेंट। दिल्ली जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में शामिल है, और
सेंट्रल डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट रैंक पे है सर्वे ऑफ इंडिया और लास्ट रैंक पे है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब बात करते हैं उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में। तो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर के कथुआ डिस्ट्रिक्ट में उज रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्ट होने के बाद इंडस रिवर सिस्टम की जो ईस्टर्न रिवर्स है उनके वाटर्स को भारत यूज कर सकेगा। तो उज रिवर के बारे में बात करें तो ये रवि रिवर की ट्राइब्यूटरी है और ये कैलाश माउंटेंस जो कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज का पार्ट है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो अब फोकस करते हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इंडस रिवर सिस्टम में टोटल 6 रिवर्स हैं। इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रवि रिवर, बीस रिवर हैं, सुतलेज रिवर। तो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस रिवर के ऊपर एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है कि जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि ये 6 रिवर्स के जो वाटर्स है वो इंडिया और पाकिस्तान में से कौन कौन यूज़ करेगा। ये ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक द्वारा मेडिएटेड किया गया था। ये ट्रीटी के तहत इंडस वाटर रिवर सिस्टम की जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है बीज, रवि, सुतलेज, ये 3 रिवर के वाटर्स को भारत कम्प्लीटली यूज़ कर सकता है। और सामने पाकिस्तान को इंडस वाटर रिवर सिस्टम की 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चेनाब एंड झेलम एलोकेट की गई थी। हालांकि इंडस रिवर भारत में ओरिजिनेट होती है तो भारत ये 3 रिवर इंडस, चेनाब एंड झेलम के 20% वाटर इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, नॉन कंजप्टिव एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकता है। ये ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन को भी सेटअप किया गया था। अब बात करते हैं भारत के सदर्न ओशन के एक्सपेडिशन के बारे में। तो रिसेंटली साउथ अफ्रीकन ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल एसए अगुलास ने इंडियन मिशन टू द सदर्न ओशन के 11th एक्सपेडिशन की जर्नी स्टार्ट की थी। ये एक्सपेडिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है और ये एक्सपेडिशन को नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ऑपरेट करता है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि भारत के पोलर एंड सदर्न ओशन में रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ओशन एक्सपेडिशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वर्ल्ड की ओवरऑल वेदर इकोसिस्टम है उस पर सदर्न ओशन का इन्फ्लुएंस कितना है और साथ ही साथ जो ओशन के रिमोट एरियाज है उनके वेदर चेंजेस का लार्ज स्केल वेदर पे टोटल कैसा इम्पैक्ट आता है वो मेजर करना। ये मिशन के तहत टोटल 6 प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सबसे पहला है कि सदर्न ओशन के इंडियन ओशन सेक्टर में अलग अलग डेप्थ्स पे हाइड्रोडायनामिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री को मेजर किया जाएगा। फिर ट्रेस गैसेस जैसे कि हेलोजन्स एंड डाइमिथाइल सल्फर की ओशन में से एटमॉस्फेयर में किस तरह वो मूव होते हैं उसका ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जो भी ग्लोबल वेदर मॉडल्स है उनके साइंटिफिक एनालिसिस में काफी हेल्प मिलेगी। कोकोलिथोफोरस जो कि एक यूनिसेल्यूलर अल्गा है उसको स्टडी किया जाएगा जिससे कि सदर्न ओशन यानी कि एंटार्क्टिक ओशन के पास्ट क्लाइमेट के बारे में जान सकेंगे। एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स और उनकी ऑप्टिकल एंड रेडिएटिव प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सदर्न ओशन का इंडियन मानसून के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसको स्टडी किया जाएगा और साथ ही साथ सदर्न ओशन में सस्टेनेबल फिशिंग को प्रमोट करने के लिए सदर्न ओशन के फूड वेब के डायनेमिक्स को भी स्टडी किया जाएगा। एंटार्क्टिका में रिसर्च करने के लिए भारत के मेनली 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन है। पहला है दक्षिण गंगा, सेकंड है मैत्री और थर्ड है भारती। ये तीनों के तीनों रिसर्च सेंटर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। तो सदर्न ओशन का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है कि वहाँ पे इस तरह के रिसर्च एक्सपेडिशन को भेजना पड़ता है। सदर्न ओशन जो है वो वर्ल्ड के सभी ओशंस को कनेक्ट करता है और साथ ही साथ ये एक वर्ल्ड के सभी ओशन में हीट को ट्रांसपोर्ट करता है जिससे कि ग्लोबल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो अब बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम को जनवरी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था। ये भारत का सबसे पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को रेडीमेड नेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि जिसका यूज़ करके वो एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ये प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 2024 तक पर्टिकुलर मैटर 2.5 यानी कि जो भी फाइन पर्टिकुलर मैटर है कि जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है एंड कोर्स पर्टिकुलर मैटर कि जिसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे कम है उसकी कंसंट्रेशन को 20-30% तक कम करना। ये प्रोग्राम में टोटल 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज शामिल है कि जिसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया है। नॉन अटेनमेंट सिटीज यानी कि वो सिटीज जो सिटीज ने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पिछले 5 साल में अटेन नहीं किया हो वो सिटीज को नॉन अटेनमेंट सिटीज ये प्रोग्राम के तहत कहा जाता है।
ये प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के तहत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा। ये प्रोग्राम का जो इनिशियल बजट है वो पहले 2 साल के लिए 300 करोड़ है और ये प्रोग्राम यूनिक 3-टायर सिस्टम को प्रपोज करता है कि जिसके तहत सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास से रियल टाइम फिजिकल डेटा लिया जाएगा कि वो अपने स्टेट में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप ले रहे हैं, फिर वो डेटा को एनालाइज किया जाएगा और उसके बेसिस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पेक्टिव रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम 3 अलग अलग कमिटीज को सेटअप करने का सजेशन देती है। एपेक्स कमिटी हेडेड बाय द एनवायरनमेंट मिनिस्टर, स्टीयरिंग कमिटी हेडेड बाय द एनवायरनमेंट सेक्रेटरी एंड मॉनिटरिंग कमिटी हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी।